आज हम बनाने जा रहे हैं बिस्किट कटलेट और हमने यहाँ सब इंग्रेडिएंट्स निकाले हैं। ये न्यूट्री चॉइस के क्रैकर्स बिस्किट हैं। ये हमने मैदे की व्हाइट सॉस बना के रख ली है। ये बॉयल की हुई चिकन शेड करके रख ली है। ये है ग्रीन चिल्ली चॉप्ड, ये है वाइट पेपर पाउडर, ये है कैप्सिकम चॉप्ड, कोरिएंडर, चीज ग्रेटेड चीज, ब्रेड क्रम्स। ये यहाँ हमने दो अंडे बीट करके रख लिए हैं। बॉइल की भी चिकन शेड डालेंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये अब हमारा बैटर मिक्स हो चुका है व्हाइट सॉस और चिकन का। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली चॉप्ड, व्हाइट पेपर, कैप्सिकम चॉप्ड, कोरिएंडर चॉप्ड भी डाल देंगे इसी में, ग्रेटेड चीज, अब हम इसको सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारे सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे बिस्किट्स पर। ये हमारा न्यूट्री चॉइस का क्रैकर बिस्किट है। ये डार्कर पार्ट है और ये लाइटर पार्ट है। तो आपको लाइटर पार्ट नीचे रखना है और डार्कर पार्ट ऊपर रखना है। और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे जो अब हमने बनाई है। अच्छे से आप फिलिंग कर लें। और अब हमें लेना है दूसरा बिस्किट। दूसरा बिस्किट का भी जो डार्कर पार्ट है और जो लाइटर पार्ट है वो ऊपर रहेगा ऐसे। ये अब हम इसको लेवल कर देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ऐसे करके निकाल लेंगे। अब हम इसे डिप करेंगे अंडे में। पूरा तरीके से इसको ऐसे कोट कर लेंगे अच्छे से। फिर ऐसे निकाल कर अब हम इसको ब्रेड क्रम में डालेंगे और ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। पूरी फोर साइड भी अच्छे से पैक हो जाए ऐसे, इस तरह से अच्छे से रोल अप कर लें। अब हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे। कुछ देर के लिए इसको डीफ्रीज कर देंगे। फिर जब फ्राई करना हो, जब हम इसको निकाल लेंगे, फिर इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये हमारा तेल यहाँ पर अब गर्म हो चुका है। आप अच्छे से तेल को पका लीजिए 3-4 मिनट के लिए। फिर जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक एक कर बिस्किट कटलेट इसमें हम डालेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसे ऐसे कर पलट लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ज्यादा गोल्डन ना करें वरना ये जल जाएंगे। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 2-3 मिनट ही है, ज्यादा नहीं है। अब ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे कटलेट ऐसे ही निकाल लेंगे हम। टिश्यू पर रखें इसे ताकि तेल भी सोख ले।
अब हम इसे अच्छे से निकाल कर एक प्लेट में अच्छे से सर्विंग डिश में इसे सर्व करेंगे। ये हमारी प्लेटिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसे आपको तोड़कर दिखाएंगे। देखिए इसका टेक्सचर, देखिए आप। अब इसे डिप करके सॉस के साथ आप खा लें।